आपके में तिलक लगाना, भगवा पहनना, हमारे में सुन्नत होता है। जैसे सरदारों में होता है ना, पगड़ी लगाते हैं, पर उन्होंने अपने कल्चर माना लिया कि हर टाइम पहन के रखना है। लेकिन हमने छोड़ दिया कि इस वजह से इस पर सवाल उठाया जाए कि टोपी क्यों लगाते हैं, वरना हमारे भी पहचान एक तरीके से टोपी लगाना सुन्नत है। क्योंकि तो भगवा कलर की बनते हैं, बताओ कौन पहनता है? हिंदू है या भगवा कलर मानते हैं, क्यों मानते हैं? कोई रीजन तो होगा। कुछ टोपी लगा भी सकते हैं, नहीं लगा, लगाना सुन्नत है, हमारे रसूल की सुन्नत है। सौ एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। जो इस्लाम के पास शहीद हो गए उनका सवाब टोपी लगाने में मिलता है। देश और धर्म में क्या बड़ा है? इस्लाम बड़ा। मेरे लिए तो इस्लाम बड़ा, इस्लाम में रह के कैसे देश में रहना वो इस्लाम सिखाता। सर का ढकना जो है ना, एक सुन्नत बताया है, एक लिबास बताया है पहनावा। जैसे कि एक लेडीज़ों का बताया है कि अपने आप को ढकना, एक दूसरों की नज़र गंदी नहीं पड़ती, एक शर्म होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बार वगैरह में, क्या कहते हैं, क्लब वगैरह में अगर लड़कियां कहते छोटे कपड़े पहनती हैं, यही अगर अपनी फैमिली में पहनने लगे शायद उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहे। आप मतलब जैसे आप पंडित पहनते हैं, आपके पंडित लोग जैसे भगवा कलर पहनते हैं शो करने के लिए, पंडित रहते हैं वो, वैसे ही जो है हम अपनी टोपी पहनते हैं शो करने के लिए कि हम मुसलमान हैं। ये हमारा वो मुल्क है, हमने आज़ाद करवाया, अगर हम ना होते ना तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। बेकार ये कि मुसलमानों को ज़्यादा टॉर्चर करा जा रहा है, मुसलमानों पर ज़्यादा फोकस आज के टाइम पर। योगी जी को या मोदी जी को आगे आना चाहिए, ये जो नफरतें की दुकान खुली पड़ी है ना इस टाइम, हिंदू मुसलमान हो रही है, इस चीज़ को मैं तो कहता हूँ बल्कि पीएम को बोलना चाहिए इस बारे में कि ये चीज़ें बंद की जाएगी। हम लोग आज कुछ खास मुसलमानों से बातचीत करेंगे जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए आखिर देश बड़ा है या उनका जो धर्म है वो बड़ा है। हम लोग मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि या उनके लिए धर्म बड़ा है या देश बड़ा है, और ये भी जानेंगे कि आखिर वो टोपी क्यों पहनते हैं, क्या उनको अलग दिखना है सिर्फ इसलिए या फिर वजह कोई और है। चलिए टोपी आप लोग लगाते क्यों हैं? ये सुन्नत है, हमारे रसूल की सुन्नत है, हमारे इस्लाम में टोपी लगाना सुन्नत है। नमाज पढ़ते कोई बात करते सुन्नत है, एक तरीका। मैं किसी के सामने हम जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट के साथ, ताकि हम किसी उसके साथ जा रहे हैं अल्लाह के सामने जब झुक रहे हैं मतलब इसके दरबार में जाएंगे तो हम एक अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छा बन के जाएंगे, यानी कि उल्टे से जा रहे हैं एक मतलब अल्लाह की रिस्पेक्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं एक अच्छी तरह से। जैसे हम किसी के यहाँ जाएंगे गेस्ट मान जाएंगे तो अच्छा तरह को जाएंगे ना, ऐसे तो ऐसे उल्टे से भाग जाएंगे, ताकि हम हमारे देख के वो भी खुश हैं हम भी खुश हों और नमाज में सुकून से नमाज पढ़ें। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कुछ मुसलमान होते हैं वो टोपी नहीं लगाते और कुछ होते हैं जो लगाते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो नहीं लगाते हैं टोपी, वो क्यों नहीं लगाते हैं? तो मतलब वो सुन्नत है, ये मतलब ये नहीं कि फ़र्ज़ ज़रूरी है, मतलब सुन्नत है। कुछ टोपी लगा भी सकते हैं, नहीं लगा, लगाना सुन्नत है, हमारे रसूल की सुन्नत है। 100 एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। जो इस्लाम के पास शहीद हो गए उनका सवाब टोपी लगाने में मिलता है, तो सिर्फ टोपी लगाई जाती है। हम अपने रसूल के नक्शे कदम पे चलते हैं, जो हमारे नबी ने करा वही हम करते हैं जी। होता है मुसलमान के सर का ताज होता है, हाँ। है ना, एक पहचान है मुसलमान की, एक पहनावा, एक अदब है, और टोपी सर का ताज है। टोपी का सर का ढकना जो है ना, एक सुन्नत बताया है, एक लिबास बताया है पहनावा। जैसे कि एक लेडीज़ों का बताया है कि अपने आप को ढकना, एक दूसरों की नज़र गंदी नहीं पड़ती, एक शर्म होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बार वगैरह में, क्या कहते हैं, क्लब वगैरह में अगर लड़कियां कहते छोटे कपड़े पहनती हैं, यही अगर अपनी फैमिली में पहनने लगे शायद उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहे, है ना। एक अदब का दायरा वही है कि अपने आप को ढक के रख के चले और अपने आप को ले के चले। ऐसे ही क्या कहते हैं, मर्दों के लिए भी आया है कि मर्दों को भी ना ऐसा लिबास पहनना चाहिए ताकि सामने वाला ना उसका अदब करे, छोटे उसका अदब करें, बड़े उसका अदब करें, सर को ढक रहे, अपने बदन को ढक रखे और ऐसा पहनावा पहने जिससे कहते हैं सामने वाले को ये लगे कि हाँ देखो कपड़ा भी अच्छा पहन रखा है, बदन पे जो लिबास है वो भी अच्छा पहन रखा है, और उसका क्या कहते हैं अदब भी अच्छा है।
अच्छा, जैसे कुछ मुसलमान हमने देखे हैं, जैसे आपने भी अभी टोपी नहीं लगा रखी है, तो टोपी ही क्यों लगाते हैं, मतलब अलग क्यों दिखना चाहते हैं आप टोपी लगाकर, मुझे ये भी जानना है आपसे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्या कहते हैं सारे के सारे आपको टोपी लगाए हुए दिखें, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अभी न्यू जनरेशन चल रही है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लिख के अभी क्या कहते हैं, ये भी है कि सिर्फ एक कैरेक्टर जो होता है ना, सिर्फ इसी को जो है कि हाँ अच्छा चलना है, एक बोलना भी अच्छा है, एक गरीब को क्या कहते हैं खाना खिलाना भी अच्छा है, ठीक है, गरीबों की मदद कर देना, अपने साथियों की मदद कर देना, किसी भी चीज़ की मदद कर देना, ये भी है अच्छाई, कुल मिला के ये अच्छे काम करना, ये एक सिखाया गया है मुसलमानों को, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को करना, जहाँ कोई गलत चीज़ है उस पर रोकना और क्या कहते हैं गलत चीज़ का कहते हैं साथ ना देना, ये मुसलमान को बताया गया, चाहे वो गलत मुसलमान भी है तो मुसलमान का भी साथ क्या कहते हैं उस गलत में ना दे, इतना भी बताया गया, ऐसा नहीं है कि उसका भी सपोर्ट कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, अब जैसे आपको पता है कि चुनाव है अब, है ना, तो आपको क्या लग रहा है, आप सरकार के काम से खुश हैं? देखो चुनाव है या कुछ भी है, हमें उससे कुछ ऐसा कोई ज़्यादा कोई लालच तो है नहीं, क्योंकि कमाना सबका अपना होता है, फिर भी चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, अपना कमाता है इंसान अपना खाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं अगर घर घर जाके अगर खुद क्या कहते हैं अगर जाके दिखा रहा हो कोई सीएम हो या पीएम हो और घर 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 जाके कहते हैं सबकी मदद करके आ रहा हो, तो मुझे भी बता देना एक बार कि हिंदुस्तान में क्या कहते हैं इतने करोड़ों की आवाम है कि कौन से करोड़, तो करोड़ मैं कह रहा हूँ 10 लाख के घर पर दिखा देना मुझे, क्या कहते हैं आके पीएम योगी या क्या कहते हैं कोई आदित्यनाथ या कोई और भी गवर्नमेंट अगर आई है तो क्या कहते हैं आज तक कभी आकर मदद करके चली गई है रोड पर, वरना आपको ये भिखारी नहीं दिखाई देते, ये मोहताज नहीं दिखाई देते, शायद आपके घर के आसपास भी रहते हों और शायद इन लोगों के घर के आसपास भी रहते हों, तो इन्हें इस चीज़ से तो कोई लालच नहीं होते, तो कुर्सी की लड़ाई है, कोई भी लड़ना शुरू कर देता है, दो पैसे किसी की जिम्मा है वो लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ। बताओ भगवा कलर की पहनते हैं, बताओ कौन पहनता है, हिंदू हैं या भगवा कलर मानते हैं, क्यों मानते हैं, कोई रीज़न तो होगा, कपड़े तो सब एक से होते हैं, कोई सा भी कलर पहन सकते हैं, बताओ। मुझे जानने का यही मतलब है कि आप इसकी हमें महत्व बताएं, आप रीज़न निकाल के लेकर आओ जो कहाँ भगवा कलर का हमारे लिए, फिर हम बताएंगे उसके बाद। तो कैसा कैसा आपको क्या लगता है कि सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो काम ही ना करती, कुछ ना करती, योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं काम, झूठ बोल रहे हैं, अरे बढ़िया कर रहे हैं, तो अपने घर लेकिन तुमने खुद क्यों बनवाया, पूछो इनसे खुद क्यों बनवाया, पैसा दे रखा बनवा रहे, अच्छा कौन सी सरकार देना आई थी आपको पैसा, तो मतलब मान ले कि आप सरकार के काम से खुश नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, करते ही ना आज कुछ, कुछ और लोग भी हैं, जगह नहीं बताऊंगा, आप ये बताइए कि आपने आप टोपी क्यों पहनते हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज के टाइम, हाँ कुछ अलग चीज है या फिर नमाज के टाइम पे पहननी होती है इबादत के लिए? मैं ना आपसे कही तो है, भगवा कलर क्यों पहनते हैं आप ये बताओ, जो हिंदू हैं पंडित हैं उसका रीजन निकाल के लिया, जो भगवा कलर इसलिए पहनते हैं, कपड़े तो सब एक से हैं, वाइट हुए या कोई सा भी कलर हुआ, भगवा कलर आप बताओ पहले, फिर जब बताएंगे हम, इबादत की बात है, श्रद्धा की बात है अपनी, अपनी मान लो हम नमाज पढ़ते हैं, अपनी टोपी ओढ़ते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बालों के ऊपर है बस, बालों की वजह से है या मतलब नमाज के आंखों में बाल वाल ना है इसलिए होता है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना टोपी पढ़ के ही नमाज होगी, बिना टोपी पढ़े भी नमाज हो जाती है जी, उसे नमाज पे या फिर जो आप दुआ जो भी पढ़ते हैं उस पर कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर जी, यही जानने की बस मैं कोशिश कर। अच्छा मुझे एक सवाल बताइए कि आपके लिए धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? देखो दोनों चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, धर्म अपनी जगह है और देश अपनी जगह है, दोनों का दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। आपके लिए आप क्या सोचते? दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों आधा आधा ईमान है हमारे, क्यों हमारे ना क्या नाम इस्लाम में भी है कि हमारे लिए पहले हमारा देश है, इसमें ये लिखा है हमारे इसमें इस्लाम में। आपसे मैं सेम बात जानना चाहूंगी कि आपके लिए देश बड़ा है धर्म बड़ा है? देश, क्यों बड़ा है, क्या वजह है, आप क्या सोचते हैं देश के बारे में? देश के बारे में देश के रहतवान हैं हम, देश के वासी हैं, पहले हमारे लिए देश है अपना जी। अच्छा जैसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जैसे कुछ मुसलमान टोपी नहीं पहनते, जैसे अभी आपने नहीं पहनी, इन्होंने पहनी हुई, ये एक दृश्य है जो कैप्चर करिए, ठीक है, तो टोपी जो पहनते हैं वो अलग क्यों दिखना चाहते हैं, जो नहीं पहनते हैं वो थोड़ा डिफरेंस ही? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा बस हमारे माइंड के ऊपर माइंड सेट हुआ पड़ा है कि हम ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, बाकी और ऐसे कुछ नहीं होता जी, अपने माइंड सेट के ऊपर बात होती है, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले बंदा क्या सोच रहा है, बस और कुछ नहीं है। आप आगे आइए जरा,
हमारे पहनते हैं, सुन्नत होती है टोपी पहननी हमारे मजहब में। जो भी नमाज पढ़ने जाएंगे सुन्नत कही जाएगी, इस बारे पहनी जाती है और कुछ नहीं। जैसे आपके में तिलक लगाना, भगवा पहनना, हमारे में सुन्नत होता है। जैसे सरदारों में होता है ना पगड़ी लगाते हैं, पर उन्होंने अपना कल्चर माना लिया कि हर टाइम पहन के रखना है, लेकिन हमने छोड़ दिया कि इस वजह से इस पर सवाल उठाया जाए कि टोपी क्यों लगाते हैं। वरना हमारे भी पहचान एक तरीके से टोपी लगाना सुन्नत है, क्योंकि अपने नबी को फॉलो करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके को फॉलो करते हैं, तो उनका तरीका है इसलिए हम लगाते हैं। तो आपने अभी जैसे बताया कि पहचान है, आप पहचान के लिए अलग क्यों दिखना चाहते हैं टोपी लगा? अलग नहीं दिखना ना, अपने अपने नबी के तरीके पर चलना, अलग थोड़ी है वो, उनके तरीके पर चलना है बस, उनके तरीका है हमारे। जो आप मतलब जैसे पंडित पहनते हैं, आपके पंडित लोग जैसे भगवा कलर पहनते हैं शो करने के लिए, पंडित रहते हैं वो, वैसे ही जो है हम अपनी टोपी पहनते हैं शो करने के लिए कि हम मुसलमान हैं। जैसे आप पूजा वगैरह करते हो, सर में दुपट्टा रखते हो, पल्ला रखते हो, उसी तरीके से मस्जिद वो टोपी भी होती है, सुन्नत होती है, उस तरीके से हम लोग भी करते हैं। हेलो, पगड़ी को पहनता सरदार पगड़ी पहनते हैं, हम टोपी पहनते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी नबी की सुन्नत है बस। अच्छा ये बताइए, एक एक करके सबसे पूछूंगी कि आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? देश ही बड़ा हमारे लिए, तो क्यों है बड़ा? क्यों बड़ा आगे सब क्या बोल रहे हैं? देश में, जिस देश में हम लोग रहते हैं वो हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है, ये हमारे लिए। मतलब आपके लिए देश बड़ा है धर्म नहीं? धर्म आप क्या सोचते हैं जी? जी देश और धर्म में क्या बड़ा है? इस्लाम बड़ा है मेरे लिए, तो इस्लाम बड़ा, इस्लाम में रह के कैसे देश में रहना वो इस्लाम सिखाता। मतलब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ये बताया जाता है कि देश में किस तरीके से रहना है? बिल्कुल, एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेन कैसे करूँ बताइए आप? जैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। इस्लाम को बना रखा है कि नमाज पढ़ना और रोजे रखना, ये इस्लाम नहीं है पूरा। इस्लाम पूरा सिखाता है कि कैसे रहना, कैसे कारोबार करना, कैसे बिजनेस करना है, और बहुत हर चीज़, मतलब पूरी ज़िंदगी रहने का तरीका बताता है इस्लाम, तो वो है। वो सब चीज़ पता नहीं है किसी को अभी ज़्यादातर। आपके लिए क्या पढ़ा? हमारा इस्लाम में रह के हमारे नबी के तरीके पर चल के हमारे हमारे लिए पहले देश बड़ा है। देश के लिए भाई, गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं, भाइयों के लिए पहले सोचना बनता है। बाकी हमारा इस्लाम भी पहले है, मतलब हम देश के लिए सोचेंगे पहले। इधर पूछते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप ये टोपी क्यों पहनते हैं? आप ये टोपी क्यों पहनते? अभी हमारे इस्लाम का रुकन है और हमारे नबी की सुन्नत है। देखो हम भारत में रह रहे हैं और भारत में ही पे इसी मिट्टी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि मुसलमान एक ऐसा इंसान है कि इस मिट्टी के ऊपर और इस ज़मीन के ऊपर रहने के बाद में इसी में दफन होता है। यानी बाजू बाजू की राख मिट्टी पता ना कौन से देश में कौन से मुल्क में पहुंच जाती है, लेकिन हम इतने वफादार हैं, हम इतने वो हैं कि जो हम इस देश के अंदर रहने के बाद में भी और इसी मिट्टी के अंदर दफन होते हैं और कहीं नहीं हमारी मिट्टी जा सकती। ये हमारे ऊपर लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर यूँ करते हैं कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के विरोधी है, लेकिन हमने हिंदुस्तान के हमारे उलमाओं ने ऐसा कोई मुल्क, ऐसा कोई देश ही, लाहौर से लेकर हिंदुस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा था जो हमारे उलमाओं ने इस देश के खातिर अपनी गर्दनें पेड़ों पे ना लटकी हों। ये हमारा वो मुल्क है, हमने आज़ाद करवाया, अगर हम ना होते ना तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता, और इंशाल्लाह आगे भी आज़ादी ही करवा के रहेंगे हम, ना अल्लाह ना चाहा तो। ये हम चाहते हैं इंशाल्लाह। ये बताइए कि आपके लिए देश बड़ा है धर्म बड़ा है? देखिए हम हमारे लिए, देखो ऐसा है, देश अपनी जगह हो गया, इस्लाम हमारी जगह हो, इस्लाम जो है हम इसको ज़्यादा बढ़ावा देना देते हैं। एक ये मुल्क जो है, ये हमारा मुल्क है, हम देश में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम मुल्क को बढ़ावा नहीं देना चाहते, मुल्क को हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन इस्लाम जो है, देश भी बड़ा है और ईमान भी बड़ा है, दोनों चीज़ बड़ी हैं। देश हमारा जो है, दोनों चीज़ बड़ी हैं, लेकिन इस्लाम हमारा जो है इम्पोर्टेंट, दोनों ही है इम्पोर्टेंट, हमारा इस्लाम है इम्पोर्टेंट, जो है हमारा इस्लाम है। ये ठीक है। अच्छा जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है, तो आप सरकार के काम से खुश हैं? खुश हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अब इस वक्त विरोध इतना हो गया है, हिंदू मुस्लिम का जो विरोध हो गया है, हम इससे नाराज़ हैं कि भाईचारा रहकर, भाईचारा होकर रहना चाहिए हमें, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई एक धर्म एक रह होकर रहना चाहिए हमें, लेकिन जो आज जो है विरोध हो रहा है पूरे भारत के अंदर, हम ये चाहते हैं कि हम एक बनकर रहें, हम एक ही उस पर चलें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोदी जी के काम से खुश हैं?
जी खुश हैं, हम उनसे नाराज नहीं हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं, हम नाराज, हम सिर्फ विरोध से नाराज हैं कि हमें जो है हिंदू मुसलमान को इस नज़र से देखा जा रहा है, आज भारत के अंदर इस तरह से देखा जा रहा है, कहीं कहाँ कुछ हो रहा है मुसलमान के साथ, कहीं कुछ हो रहा है मुसलमान, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ ना हो, बिल्कुल अमन कायम। आप खुश हैं? हमारे देश में अमन चाहिए, अमन होना चाहिए और सारे मिलजुल के रहना चाहिए जैसे पहले से रहते आए। क्या मोदी जी रहे चाहे कोई भी रहे, सुकून होना चाहिए जी देश के अंदर, भाईचारा रहना चाहिए। मोदी जी के काम से खुश हैं आप? हाँ, कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, कुछ काम बेकार भी कर रहे हैं। वो बेकार क्या करे? बेकार ये कि मुसलमानों को ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा है, मुसलमानों पर ज्यादा फोकस आज के टाइम पर ज्यादा ज्यादा। आप देखो जितनी भी रिपोर्टें देखोगे ना आप, मुसलमान दिखेंगे हर चीज में आपको, हर चीज में मुसलमानों को सबसे आगे ले रखा है। अच्छे काम क्या किए? अच्छे काम काफी, रोड वगैरह लाइट वगैरह भी अच्छी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। बाकी वैसे भी मेट्रो वगैरह भी चली है, काम काफी अच्छे हुए हैं, बुरे भी हुए हैं लेकिन अच्छे भी काम ज्यादा हुए हैं जी। तो अब की बार आप चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? देखो जी, अगर देश पहला जैसा हो जाए, अच्छा देश हो जाए, ठीक है, अमन शांति हो, तो मोदी जी बने। अब नहीं है देश में अमन और शांति? अब नहीं, अब तो बिल्कुल बेकार हो चुका देश। आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के काम से खुश हैं? हम ये सोच रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नफरत को बंद कर दें, आपस में भाईचारा हो, सब मेल मोहब्बत से प्यार से रहें और देश तरक्की करे। हमारा अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? ये तो अल्लाह जिसको देगा, अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के कब्जे में है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर जो ये मुसलमानों को टॉर्चर करा जा रहा है वो गलत है। मतलब योगी जी टॉर्चर कर रहे हैं? और कोई टॉर्चर ना कर रहा है, जैसे पुलिस वालों ने उन्हें लात मारी, नमाज पढ़ रहे थे रोड पे, इसलिए टॉर्चर कोई नहीं है। चाहिए योगी जी को या मोदी जी को आगे आना चाहिए, ये जो नफरतें की दुकान खुली पड़ी है ना इस टाइम, हिंदू मुसलमान हो रही है, इस चीज को मैं तो कहता हूँ, बल्कि पीएम को बोलना चाहिए इस बारे में कि ये चीज़ें बंद की जाए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हैं वो, तो वो बोलेंगे तो शायद कुछ हो जाए। मैम जैसे बता आपको, ये सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे हेट स्पीच बंद होनी चाहिए बिल्कुल, जैसे कोई और हेट स्पीच दे देता है आप समझ रहे होंगे, तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन अभी बहुत उन्होंने हेट स्पीच दिया है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, ये हेट स्पीच बंद होनी चाहिए, हमारा तो ये है। और देखो महंगाई होगी तो हिंदू के लिए भी होगी, मुसलमान के लिए भी होगी, अगर रोड बनेगी हिंदू के लिए बनेगी, मुसलमान के लिए बनेगी, सब है ये तो। लेकिन ये जो देश के बीच में वो आ रहा है ना, ये खत्म, जो नफरत आ रही है, नफरत हो रही है, ये कम होनी चाहिए। जैसे हेट स्पीच दे देते हैं लोग, बाबा वगैरह या कोई भी मुल्ला मौलवी दे, ऐसे नहीं कि मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा हूँ, किसी और की कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा हूँ, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हम लोग मस्जिद के बाहर मौजूद थे, जहां पर हमने कुछ खास मुसलमानों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके लिए धर्म बड़ा है या देश बड़ा है। साथ ही में हमने ये भी जाना कि वो टोपी क्यों पहनते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ सुन्नत होती है इसी वजह से वो टोपी पहनते हैं। साथ ही हमने उनसे लोकसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत में पता लगा कि वो जो सरकार का काम है उनसे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है वो मुसलमानों पर थोड़ा टॉर्चर कर रही है जो कि बंद होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, गाजियाबाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।